शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकण काला ने भारी मतों से जीत हासिल की है। उनकी जीत की खुशी में गांव धनतोड़ी में ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों पर नाच कर वे लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह चौटाला भी शाहबाद पहुंचे। कह रहे थे कि मीडिया का ओपिनियन और एग्जिट पोल जो है वो कुछ लोगों तक सीमित होता है, कुछ लोगों की राय होती है और मोस्टली अर्बन एरियाज की राय होती है। मीडिया के लोगों को शायद आज के इस रिजल्ट से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप हम पॉलिटिशियंस को सिखाते हैं, मैं आज आपसे कहूंगा कि आप मीडिया के लोगों को भी इससे प्रोज एंड कॉन्स इससे सीखने की जरूरत है। नंबर टू, आज जो रिजल्ट है अभी मैं देख रहा हूँ बीजेपी 38 पे पहुंच गई मेरे देखते देखते ही, ये बीजेपी आती आती 35 पर रुकेगी और जिसका मतलब थ्री डायमेंशनल विधानसभा का फॉर्मेशन हरियाणा प्रदेश में होगा। और जहां तक मेरी राजनीतिक सोच है, हरियाणा के लोगों ने एंटी बीजेपी वोट दिया है। जननायक जनता पार्टी एज एन एमर्जिंग फोर्स 20% प्लस वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश में जा रही है, जिसका मतलब 20% से ज्यादा एक 10 महीने पुरानी पार्टी के को लोग वोट दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा थी दुष्यंत को वोट देने की, मगर सिर्फ ये देख करके कि नई पार्टी है अगली बार देखेंगे, उनने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यानी हरियाणा प्रदेश की जनता ने मैंडेट दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का दिया है, ये मैं बड़े विश्वास करता हूं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो आपको बच्चा पार्टी कहते थे? नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं और बच्चा पार्टी आज वो लोग जो हमें बच्चा पार्टी अनिल जैन जी कह रहे थे बीजेपी के, वो स्वयं सोचने पर मजबूर होंगे कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। जो हमें बंदर कह रहे थे, वानर सेना कह रहे थे, वो आज स्वयं ये कह रहे हैं दुष्यंत जी सोच समझ कर फैसला करें। आज वो बंदरों से कह रहे हैं कि सोच समझ कर फैसला। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।